तो ये हमारे रेडस्टोन का घर, ये है हमारा दरवाजा, सो हियर वी गो। हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल। हाँ गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने दरवाजे से। जैसे देखते हैं, ये हमारा दरवाजा, ये हर तरफ से। और अगर आपने इस वीडियो का ट्रेलर नहीं देखा है तो पहले वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा। तो दरवाजा बनाने के लिए बहुत इजी है। जैसे अभी जैसे पेट के नीचे जैसे देखते हैं फेंस गेट है, और क्योंकि आम लॉक से ज़्यादा हाइट का होता है इसलिए हम यहाँ से जा नहीं सकते, पर जब ऐसे अगर हम खोल दें तो हम जा सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारा पिस्टन डोर, प्रेशर लेवल चढ़ा तो बंद, और खुला हटा तो बंद। तो इसका बनाना बहुत इजी है। यहाँ पे आपको थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे प्रेशर प्लेट है, ये रेडस्टोन को एक्टिव करती है, उससे ये जो रेडस्टोन टॉर्च है वो डीएक्टिव हो जाती है, और वो फिर इस ब्लॉक को एक्टिव करता है, और उससे वो वाला रेडस्टोन एक्टिव हो जाता है, उससे दोनों एक्टिव हो जाते हैं, जस्ट लाइक दैट, ऐसे हो जाता है। और क्यों जाता है हमारा ऑटो स्मेल्टर। तो ऑटो स्मेल्टर में जो है वही सामने है, क्योंकि आयरन मैंने इसके अंदर डाला, तो ये हॉपर से यहाँ पे फर्नेस में आ जाएगा, दोनों स्प्लिट हो जाएगा, और उससे फिर चेस्ट में आ जाएगा, जस्ट लाइक दैट। और हम खाना भी कुक कर सकते हैं और वो भी कुक कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा आर्मर इक्विपर। तो आर्मर इक्विपर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 6 डिस्पेंसर्स, एक रेडस्टोन और एक बटन है। तो जैसे ही तो इन सब के अंदर मैंने नेदरराइट के स्वॉर्ड, पिकैक्स और पूरा आर्मर रखा हुआ है। जैसे हम इस बटन को दबाएंगे, पूरा हमारा सारा सामान आ चुका है। और उसके बाद आता है हमारा हमारा वाटर लिफ्ट, ये ऊपर आ गए। और उसके बाद इसका बहुत ईजी है, अभी तो उसमें सोल सैंड है, नहीं तो ये बदल के मैग्मा भी हो सकता है। उसके बाद ये हमारा लाइट का सिस्टम, ये लाइट चालू और ये लाइट बंद, लाइट स्विच लिखा भी हुआ है। ये हमारा बेडरूम जहाँ सो सकते हैं, यहाँ पे पेंटिंग भी ऐसे ही लगा दी है। और बाकी एक स्लीवर को दबाने से लाइट चालू हो बंद हो जाती है, चालू भी हो जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किया है मैंने, थोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे हम स्लीवर को पहले इसको बंद कर देते हैं। हाँ, तो जैसे देखते हैं इसके पीछे यहाँ पे एक रेड स्टोन, जैसे हम स्लीवर को दबाते हैं तो ये रेड स्टोन एक्टिव हो जाता है, और ये रेड स्टोन डॉट डीएक्टिव हो जाती है, और ये रेड स्टोन डॉट एक्टिव हो जाती है, उससे ये जो सारा रेड स्टोन का है सारे पावर हो जाते हैं, और ऐसे वर्क करती है हमारी लाइट। चलते हैं वापस नीचे। तो वैसे हम लिफ्ट से ऊपर से आ गए, पर हमको हम नीचे जाना है। जैसे इस बटन को दबाएंगे तो ये उससे वो बन जाएगा हम नीचे। तो ये कैसे बनाते हैं आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इस बटन को दबाते हैं तो ये रेड स्टोन एक्टिव हो जाता है, और यहाँ रात भी और सुबह कर देता हूँ। हाँ, तो जैसे ही इस बटन को हम दबाते हैं तो रेड स्टोन एक्टिव हो जाता है, और रेड स्टोन पूरा यहाँ तक नीचे तक आता है, और इससे ये वाला पिस्टन डीएक्टिव हो जाता है, जिससे सोल सैंड हट जाती है, और ये वाला पिस्टन आगे हो जाता है, जिससे मैग्मा ब्लॉक आ जाता है। पर जैसे देख सकते हैं कि स्टोन की बटन की डीले ज़्यादा नहीं होती है, देख सकते हैं एक सेकंड में ख़त्म हो जाता है। तो डीले बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा किया है, जैसे ही रेड स्टोन है इसको एक्टिव करेगा उससे यहाँ चला जाएगा, पर जैसे ही ऐसे करेगा तो उसको एक फिर से एक पंप मिलेगा, एक बार यहाँ से मिलेगा, दूसरी बार फिर से यहाँ से मिलेगा। तो इसलिए जैसे आप देख सकते हैं सब्सक्राइब टू बीस्टियश, जैसे हम दबाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, उसके बाद शिफ्ट होता है। हमने तोड़ तो दिया, वापस सेट भी करना पड़ेगा। अब चलते हैं ऐसे नीचे। तो भाई अगर आपको सीखना हो कि आर्मर को कैसे बनाते हैं इससे भी अच्छा वाला वर्जन, तो यहाँ आई बटन में आया होगा, और हमें चैनल भी आके चैनल में जाके भी देख सकते हैं। और अगर आपको दरवाजा ऑटोमेटिक डोर सीखना हो और टू साइडेड, तो उसके लिए भी यहाँ पे आई का बटन आ जाएगा, उसमें भी आ जाके आप सीख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर जाके सीख सकते हैं। और मैंने डेकोरेशन में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, फिर भी तो ठीक ही लगता है। ये कैसे लस्ले बनाया हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेड स्टोन है, यहाँ पे ऐसी पेंटिंग लगा दी है, और बाकी डिज़ाइन ठीक ही है। आप कमेंट्स बता देना कि आपको ये घर कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे बाकी वीडियोस भी देखो।